दोस्तों भारत और चीन का जो सीमा विवाद है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है कोई भी सोलूशन उसका नजर नहीं आ रहा है कुछ दिन पहले दोनों सेनाएं भारतीय और चीनी सेनाओं में झड़प हुई थी जिसमें भारतीय सेना के 20 जवान शहीद हो गए थे उसको लेकर प्रधानमंत्री का बयान आया था उस बयान के बाद उनकी ट्रोलिंग भी शुरू हो गई थी कि ये किस तरह का बयान दे दिया है तो पहले आप उस बयान को सुनिएगा साथियों पूर्वी लद्दाख में जो हुआ उसको लेकर आपने रक्षा मंत्री जी और विदेश मंत्री जी को सुना भी और प्रेजेंटेशन को भी देखा न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है न ही कोई घुसा हुआ है न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है प्रधानमंत्री मोदी जी के इस बयान पर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने मोदी जी को एडवाइस दिया है कि इस तरह के बयानबाजी से वो बचे चीन इन इस तरह की स्पीचेस को षड्यंत्र के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है पूर्व प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह ने पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प को लेकर कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने बयानों से चीन के षड्यंत्रकारी रूख को ताकत नहीं देनी चाहिए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को अपने शब्दों और घोषणाओं द्वारा देश की सुरक्षा एवं सामरिक हितों पर पड़ने वाले प्रभाव के प्रति सदैव बेहद सावधान होना चाहिए उन्होंने सरकार से कहा कि भ्रामक प्रचार कभी भी कूटनीति और मजबूत नेतृत्व का विकल्प नहीं हो सकता है पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा कि हम प्रधानमंत्री और सरकार का आह्वान करते हैं कि वे इस मौके पर साथ आए और कर्नल संतोष बाबू और हमारे शहीद जवानों के लिए न्याय सुनिश्चित करें उन्होंने हमारी क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है इससे कुछ भी कम करना लोगों के लिए विश्वास के साथ ऐतिहासिक विश्वासघात होगा पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा है कि यही समय है जब पूरे राष्ट्र को एकजुट और संगठित होकर इस दुस्साहस का जवाब देना चाहिए उन्होंने कहा कि इस सर्वोच्च त्याग के लिए हम इन साहसी सैनिकों और उनके परिवारों के प्रति कर्तज्ञ हैं, लेकिन उनका यह बलिदान व्यर्थ नहीं जाना चाहिए डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा है कि आज हम इतिहास के नाजुक मोड़ पर खड़े हैं हमारी सरकार के फैसले और कदम इस बात को तय करेंगे कि भविष्य की पीढ़ियां हमारा आकलन कैसे करेंगी जो देश का नेतृत्व कर रहे हैं उनके कंधों पर कर्तव्य का गहन दायित्व है हमारे प्रजातंत्र में यह दायित्व प्रधानमंत्री का है तो दोस्तों पूर्व प्रधानमंत्री का बिल्कुल साफ तौर पर कहना है कि जिस पोजीशन में आप बैठे हैं उस पर बैठने के बाद आपको बहुत ही सावधानी पूर्वक जवाब देने होते हैं अपनी स्पीचेस में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं बोलनी होती है कि जिससे दूसरा देश उसको षडयंत्र के तौर पर इंटरनेशनली फायदा उठा सके